क्लास एट साइंस चैप्टर फोर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कक्षा आठवीं विज्ञान अध्याय चार पदार्थ धातु और अधातु की समरी और सारांश बता रहा हूं मैं। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। मेटल्स आर लस्ट्रस वेयरस नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं और धातु नहीं होते। जनरली मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। सम रिएक्टिव मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम दियर कंपाउंड्स इन एक्वियस सॉल्यूशंस। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। तो आपने देखा क्लास एट साइंस चैप्टर फोर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की समरी।
कक्षा आठवीं ज्ञान अध्याय चार पदार्थ धातु और अधातु का सारांश।